नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, श्लोक और सात्विक। सात्विक मेरा 5 साल का है और उसको मैं थेरेपी घर पर ही देती हूँ, तो उस थेरेपी से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। तो मैंने ये सोचा कि अपने इस फ़ायदे का फ़ायदा उठाते हुए कुछ वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो आज का जो सेशन है वो है Q&A, जिसमें आप कमेंट्स जो भी करते हैं उसके मैं आंसर देती हूँ, ताकि वीडियो में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपका आंसर दे सकूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ आज का सेशन, जिसमें पहला कमेंट मैं पढ़ती हूँ। पहला कमेंट है जया रॉय जी का, वो बोलते हैं कि बच्चे से एक ही लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, मदर टंग और इंग्लिश या हिंदी, नहीं तो कन्फ्यूज होते हैं ऑटिज़म में। जी हाँ जया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें अपने बच्चे के साथ एक ही लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, चाहे वो आपकी मदर टंग हो, जिस भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं, या फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो ऐसा होता है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वही लैंग्वेज अगर सिखा रहे हैं तो आपके लिए भी आसान हो जाता है। और ये कोशिश कीजिए कि आपको थेरेपिस्ट भी वही मिले जो आपकी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में उससे थेरेपी दे रहा हो, ताकि आपका बच्चा और जल्दी से ग्रो कर सके। ठीक है जी, अगला कमेंट है अर्चना सिंह जी का, वो बोलते हैं हाय मैम, आप अपने बेटे को कितने आवर्स थेरेपी देते हैं ऑटिज़म में? डॉक्टर बोलते हैं कि पूरा टाइम बिजी रखो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एक और बात, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें? अर्चना जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया है, मैं अपने बच्चे को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को थेरेपी देती हूँ, और उसकी थेरेपी की भी मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँगी, जो एक लाइव वाला वीडियो ऑन करके मैं उसमें पूरा आपको थेरेपी करके दिखाऊँगी भी। ठीक है जी, और अंडरस्टैंडिंग की भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी, अब आगे चल के और भी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग की भी एक वीडियो होगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है वंदना मित्तल जी का, वो बोलती हैं क्या मैम बच्चे ठीक हो जाते हैं, लाइफ टाइम प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए वंदना जी, ये तो मैं नहीं कह सकती, और ये मैं क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा या फिर नॉर्मल हो जाएगा कुछ भी ये सब चीज़। हाँ ये ज़रूर, ये मैं बता सकती हूँ कि अगर आप उसके पीछे लगी रहेंगी, बहुत मेहनत करेंगी, तो उसे आप एक इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। अभी क्या है, अभी आपका बच्चा डिपेंडेंट है, आप पर डिपेंडेंट है, आपके हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, और घर वाले जितने भी लोग हैं उन पर डिपेंडेंट है, तो आप उसके साथ इतनी मेहनत कीजिए कि उसे एक इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकें। आप उसे सिखाइए, आप उसे घर के काम सारे सिखाइए, उसे खाना बनाना सिखाइए, उसे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ सिखाइए, और बाज़ार से सामान लेना सिखवाइए, पैसे कैसे खर्च करते हैं ये सिखाइए, ऑटो रुकाना सिखाइए, ऑटो में चढ़ना सिखाइए, उस ऑटो वाले को पैसे देना सिखाइए, मतलब डेली रूटीन की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ सिखाइए। और जब ये सब चीज़ सीख जाएगा तो वो एक नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकता है। ठीक है, तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें उसे इंडिपेंडेंट लाइफ देनी चाहिए। ये अगर सोचोगे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो इससे और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है दिमाग में। तो हमें ये गोल बनाना है कि हमें अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ देनी है, ताकि हम रहें या ना रहें हमारा बच्चा अच्छे से जी सके। ठीक है जी, अगला कमेंट है शिखा राजपूत जी का, वो बोलते हैं बच्चे को मारने की आदत को कैसे सही करो, मैंने बेटे को स्कूल डालना लेकिन बहुत हाथ चलाता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए शिखा जी, ऐसा होता है कि बच्चे जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ सीखते हैं, शायद वो कहीं से देख रहा है कि मारना कैसे है ये सब चीज़। अगर आप डांटती भी हैं या आप बता रही हैं तो आप उसे डांटिए मत, आप पनिश कीजिए, किस जैसे कान पकड़ के खड़ा करा दीजिए, या फिर मतलब ऐसी छोटी छोटी पनिशमेंट दीजिए जिससे बच्चे को ज़्यादा नुकसान ना हो और उसे मज़ा ना आ रहा हो, ताकि उसे ये लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये गलत हरकत कर रहा हूँ इसलिए मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। तो आप पहले उसे डांटना मारना छोड़ दीजिए, या फिर कहीं से अगर देख रहा है तो उस जगह पर मत ले जाइए। तो धीरे धीरे अगर आप ऐसी पनिशमेंट देती रहेंगी तो उसे समझ आने लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो उसकी मारने की आदत छूट जाएगी। ठीक है जी, अगला कमेंट है अनुप्रिया रस्तोगी जी का, वो बोलते हैं इजी एंड यूज़फुल वीडियोज़। थैंक यू अनुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। आपके इन्हीं कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं कितनी भी बिजी रहूं लेकिन मुझे ये वीडियो बनानी ही है आप लोगों के लिए, धन्यवाद फिर से। अगला कमेंट है प्रिया
मनीकोट जी का, वो बोलते हैं वेरी नाइस वीडियो मैम, कीप इट अप। थैंक यू प्रिया जी वंस अगेन, फिर से थैंक यू इतने प्यारे कमेंट करने के लिए, और बहुत बहुत क्या बोलूँ, बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अगला कमेंट है टाइम पास विथ अशय यश, टाइम पास विथ यश, वो पूछते बोलते हैं मेरी बेटी 6 ईयर्स की चल नहीं पाती, ना कुछ समझ पाती है, केवल बैठ पाती है, बोलती भी नहीं है, कैसे ट्रेन करूं उसको, सीपी और ऑटिज़म दोनों है। देखिए यश जी, जो सीपी वाले बच्चे होते हैं उनको ना धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस होता है, तो आपको उसको जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ वो ज़बरदस्ती नहीं करानी है। सबसे पहले तो अगर आपकी बेटी बैठती नहीं है, सॉरी खड़ी नहीं होती है, तो उसे सहारे से खड़ा करना सिखाइए, सिर्फ खड़ा करना, फिर बाद में धीरे धीरे उसे चलना सिखाइए। जब वो खड़े होना, खुद से खड़े होना सीखेगी और चलना सीखेगी, फिर आपको उसको ये थेरेपी करा सकते हैं। बाकी आप लेटा करके भी उसको ये थेरेपी करवा सकते हैं, उसके हाथ पैर चलाना, ये सब चीज़, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और बॉडी मूवमेंट रहे, और बाकी आप उसे सहारे के साथ खड़ा कर सकते हैं। जब वो खड़ी हो जाए और थोड़ी सी चलने लग जाए, तो आप ये थेरेपी जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ वो आप करा सकते हैं, ठीक है जी। और ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि सीपी में बहुत टाइम लगता है सही होने में, लेकिन आप नेगेटिव मत होइएगा और सही ज़रूर होगी, वो अपने पैरों पर ज़रूर खड़ी होगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है चांदनी जी का, मैम क्या ऑटिज़म बढ़ता है, अगर कोई बच्चा माइल्ड है तो वो बाद में सीवियर भी हो सकता है। देखिए चांदनी जी, ये इसकी इतनी जानकारी नहीं है मुझे कि मैं ये बता सकूं कि कोई माइल्ड बच्चा सीवियर तक पहुंच सकता है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि उसके जो सेंसरी इश्यूज़ हैं वो बढ़ सकते हैं, हाइपर एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस देने हैं। जैसे अगर आप शुगर देती जा रही हैं तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ती रहेगी। अगर आपके बच्चे को GFCF डाइट नहीं कंट्रोल नहीं कर रही हैं, अगर उसे ज़रूरत है इस चीज़ की, और अगर आप कंट्रोल नहीं कर रही हैं तो बढ़ेगी, उसके सेंसरी इश्यूज़ बढ़ेंगे, उसकी थेरेपी नहीं करा रहे हैं तो सेंसरी इश्यूज़ बढ़ते रहेंगे और उसकी एक आदत में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर उसकी आदत बन जाएगी वो चीज़ करते रहने, किसी चीज़ को गेन करना है तो अजीब ढंग से देखना, हमें उस जो सेंसरी इश्यूज़ में जो चीज़ गेन कर रहा है वो एक प्रॉपर ढंग से उसे देना सिखाते हैं, और वो अलग ढंग से वो लेना सीखते हैं, लेना आता है उसे, तो हमें उसे ढंग को ही चेंज करना है। ये चीज़ हमें थेरेपी में सिखाई जाती है, ताकि उसके सेंसरी इश्यूज़ भी फिर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अगर आप थेरेपीज़ नहीं कराएंगे तो ये सेंसरी इश्यूज़ बढ़ जाएंगे, और शायद क्या पता अगर सेंसरी इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है, तो क्या पता माइल्ड से मॉडरेट पहुँच जाए, या फिर मॉडरेट से सीवियर हो सकता है, पहुँचते हैं ये मैं कन्फर्म ये नहीं कह सकती, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है विलेजर्स लाइफ का, वो बोलते हैं कि हेलो मैम, आपकी वीडियोस बहुत हेल्प करती हैं मैम, मेरी बेटी पहले वो सबसे सबको समझ आती थी, अब क्या है कि अब उसे 2-3 बार उसे बोल के समझाना पड़ता है। मैंने पहले कमेंट किया था लेकिन आपने आंसर नहीं किया। देखिए मैं सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करूँ, अगर बीच में अगर छूट गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑटिज़म का एक लक्षण है कि पहले बच्चा सही होता है, कुछ बच्चे, सारे नहीं, हर किसी का अलग अलग ऑटिज़म होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा आपका पहले बोल रहा है, समझ भी रहा है, तो बाद में उसका रिग्रेशन होता है। मेरे अपने बच्चे के साथ हुआ था, मेरा बच्चा पहले सब बोलता भी था तो कुछ कुछ बातें समझता भी था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका रिग्रेशन हो गया, उसका बोलना कम हुआ, उसका समझना कम हुआ, और आवाज़ निकालना तक उसने बंद कर दिया था। लेकिन थेरेपी मैंने स्टार्ट करी, फिर उसका दोबारा से इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है। तो ऐसा होता है, और सबसे पहले आप डायग्नोस करवाइए किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, और ये पता करवाइए कि आपके बेटे को ऑटिज़म है या नहीं है, ठीक है जी। अगर ऑटिज़म है तो ये एक लक्षण है कि पहले समझ है, फिर नहीं होती है, हमें थेरेपी करा करके उसकी समझ लेके आनी पड़ती है, ठीक है जी। अगला है ट्रेंडी रील्स,
करके एक चैनल है उनका, बहुत अच्छी वीडियो हैं दी, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। मेरा बेटा 5 ईयर का है, उसे माइल्ड ADHD है, उसे मैंने टॉयलेट ट्रेन करने की कोशिश की बट नहीं हो पा रहा है, स्कूल भी जाता है, थेरेपी भी ले रहा है, प्लीज़ टिप्स दें उसे टॉयलेट ट्रेन कैसे करूँ। वो सारी चीज़ें समझता है, वैसे बहुत थोड़ा ज़िद्दी है। देखिए आपने लास्ट में एक मेंशन किया है कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, इसका मतलब कि वैसे अगर कोई बच्चे अगर टॉयलेट ट्रेन नहीं है तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि उसको स्मेलिंग की प्रॉब्लम हो या फिर उसको इंट्रोसेप्टिव की प्रॉब्लम हो कि उसे फील ही नहीं हो रहा है कि उसका पैंट गंदी हो गई है या फिर उसे प्रेशर बन रहा है, उस चीज़ का फीलिंग ही ना हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपने बोला हुआ है कि वो ज़िद्दी है, ज़िद्दी है तो आप क्या कर सकती हैं कि उसे उसका अगर प्रेशर बन रहा है तो पता चल ही जाता है, तो आपको उसे ज़बरदस्ती बैठाना पड़ेगा जब उसका प्रेशर बना है। जब इसमें क्या होगा कि वो रोक भी देगा, रोक लेगा, सुबह अगर पॉटी आ रही है तो क्या पता फिर शाम को करें, रोक लेगा तो फिर रोक ही लेगा, बंद हो जाती है, उसके बाद फिर शाम को करें तो आपको लगेगा कि नहीं यार पेंट में ही करने, तो नहीं ऐसा नहीं करना है। शाम को अगर आ रही है तो शाम को भी ज़बरदस्ती बैठाइए, लेकिन वो पॉटी है वो तो निकलेगी ही नहीं, अगर प्रेशर बन रहा है तो निकलेगा ही, अभी नहीं तो शाम को निकलेगा ही, शाम को नहीं तो सुबह निकलेगा, तो लेकिन आपको जितने बार वो प्रेशर बना रहा है उतने बार आपको ज़बरदस्ती उसे टॉयलेट पर बैठाना ही है, और ज़बरदस्ती बैठाना है, हो सके तो आपको भी बैठना पड़ेगा उसके साथ। जब आप बैठेंगे वो कर लेगा तो एक दिन दो दिन 10 दिन में वो सीख जाएगा, ठीक है जी, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़िद्दी लोगों के लिए थोड़ा ज़िद्द हमें भी करनी पड़ती है। अगला है अरू फेबलाइफ जी का, वो बोलते हैं मेरा बेटा च्यू नहीं करता है बट सक च्यू करता है बट सक एंड ब्लोइंग नहीं करता है, प्लीज़ मेक अ वीडियो। जी ज़रूर जी, मैं उसकी मुझे वीडियो बनानी है, मैं सोच भी रही थी, एक्चुअली क्या है कि मेरे पास अभी सामान अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, तो मेरा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, तो मेरे पास मेरी सेंसरी इशूज़ की और जो भी मैं उसकी प्रैक्टिस कराती हूँ वो सामान नहीं है, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सामान सेट करना है, उसके बाद मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है जी। अगला है कुसुम सिंह जी का, वो बोलती हैं मेरे बेटे को खुद को टच ही करना नहीं देता है, वो 9 ईयर का हो चुका है बट खुद को टच नहीं करने देता है, मेरे लिए उसके सारे काम बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए कुसुम जी, अगर वो खुद को टच नहीं करने दे रहता है तो उसके उसको टैक्टाइल सेंसेस की प्रॉब्लम है, या हाइपर वाली, दो टाइप के होते हैं हाइपर और हाइपो, तो उसे हाइपर वाली प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि उस वो किसी को टच नहीं करने देगा, किसी को टच तो करने ही नहीं देता है, और बहुत कम चीज़ें वो टच करना पसंद होता है, बहुत पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनता है, ये सब चीज़ें करता है। तो आपको जो टैक्टाइल सेंस की जो मैंने थेरेपीज़ बताई हुई हैं, मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है सेंसरी इशूज़ पर, तो आप जाके देखिए, और उसमें मैंने टैक्टाइल सेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो अगर करवाती हैं तो उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 1 महीना कराऊँगी तो ठीक हो जाएगा, टाइम लगता है, 6 महीने साल भर भी लग जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साल भर उससे ज़्यादा भी लगता है लोगों का, तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और यही एकमात्र उपाय है जो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला है सोनिका शर्मा जी का, वो बोलती हैं मेरा बेटा 4 ईयर का है, वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, ऑटिज़म है, लेकिन 1 साल में उसने सब कुछ सीख लिया है, LKG में है, सुसु ट्रेंड है, पॉटी भी बताता है, लेकिन बस बैठ के करना नहीं आता, बताएगा कि मम्मा पॉटी आई है, लेकिन करता वो खड़ा होके ही है, बाकी ज़्यादा कोई इशू नहीं रह गया है, अब तो एक बार समझने में समझ आता है, एकेडमिक्स में भी अच्छा है, साइकिलिंग भी कर लेता है, बस पॉटी की दिक्कत है। देखिए सोनिका जी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वो खड़े खड़े क्या पैंट में ही कर लेता है, अगर वो पैंट में ही कर लेता है तो आप उसको क्या कीजिए, जब उसको पॉटी आती है तो उसका पैजामा खोल करके आप उसको टॉयलेट पर खड़ा कर लीजिए, पहले उसे कुछ दिन उसे टॉयलेट की आदत बनाइए कि टॉयलेट में करना है, भले खड़े होके करे, आप उसे खड़े होके कराइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बैठना सिखाइए, जब वो बैठना सीख जाएगा, बैठना कैसे सिखाना है, आपको उसे ज़बरदस्ती बैठाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती अगर आप बैठाओगे तो वो कर लेगा, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, हो सके तो आपको बैठना भी पड़ेगा उसके साथ, तो आप उसे ज़बरदस्ती कराइए और कर देगा। और रही बात जब मैंने आपको पहले बोला था कि आपको खड़े करके आप टॉयलेट में ही कराइए, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो खड़े टॉयलेट में खड़े होकर कर रहा है या नहीं कर रहा है,
और अगर खड़े होके टॉयलेट में नहीं कर रहा है तो उसको शायद सेंसरी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, स्पेलिंग वाली या फिर इंट्रोसेप्टिव वाली। तो आप उसकी मेरे चैनल पर जाइए, आप इंट्रोसेप्टिव की एक्सरसाइज मैंने बताई हुई है और क्या बोलते हैं उसे साउंड की जो प्रॉब्लम है आप स्मेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इंट्रोसेप्टिव की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप जैसे आप बता रही हैं कि वो बताता है तो इसका मतलब इंट्रोसेप्टिव की प्रॉब्लम नहीं है, स्मेलिंग की हो सकती है कि वो वहाँ जाना नहीं चाह रहा है, उसको स्मेल आती है उसे या फिर खुशबू ज़्यादा ही आती है तो उसकी वजह से वो टॉयलेट नहीं जा पा रहा है, तो ये एक दिक्कत हो सकती है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए स्मेलिंग का कि अपने बाथरूम को बिल्कुल क्लीन कीजिए और सारी खुशबूदार चीज़ें वहाँ से निकाल दीजिए, फिर आप उसको कराइए वहाँ पर खड़ा होकर के। अगर वो वहाँ पर खड़ा होकर कर ले रहे हैं तो फिर बैठ कर भी कर लेगा, बैठ कर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है सिमी कुमारी जी का, वो बोलती है कि मैम एक दिन में कितने बार जिम बॉल एक्सरसाइज करना ठीक रहेगा। मैम ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कौन से लेवल का ऑटिज़म है, अगर मॉडरेट से ज़्यादा और ज़्यादा लेवल का है तो आप एक दिन में तीन टाइम कराइए, और अगर मॉडरेट से कम है तो आप दो टाइम कराइए, और या फिर बहुत ही कम है यानी कि हाई फंक्शनिंग या फिर माइल्ड है तो आप एक दिन में एक टाइम करा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक दिन में एक टाइम तो ज़रूर कराइए, और अगर दो टाइम कराती हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, अगला वीडियो है अदिति जोशी जी का, बोलते हैं अमेजिंग वीडियो, 7 मिनट ने कब बोलना शुरू किया। मैम उसने 3.5 ईयर की एज में उसने ABCD बोलना सीखा था, और 4 साल के बाद उसने जवाब देना सीखा, जैसे कि ये क्या है तो बोलेगा एप्पल, मैं पूछूंगी ये क्या है बनाना, इस टाइप से उसने बोलना सीखा 4 साल के बाद। अगला क्वेश्चन है खुशी जी का, वो बोलती हैं कि मेरी एरिया में कोई भी थेरेपी सेंटर नहीं है 200 किलोमीटर तक, क्या घर में थेरेपी करने से ठीक होगा, वो हाइपर है बहुत और ऑटिस्टिक है। देखिए खुशी जी, ये इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि लोगों को ये जागरूकता मिले कि आप घर पर भी रहकर बच्चे को ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आप थेरेपी सेंटर में जाते हैं, थेरेपिस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट या एक घंटा आपके बच्चे के साथ टाइम व्यतीत करेगा, लेकिन एक माँ जो है पूरा दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, तो बच्चे को ठीक करने का सबसे मेन कारण माँ ही होती है। माँ अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर आपको थेरेपी सेंटर बहुत दूर है तो आप घर पे सारे जो भी इश्यूज हैं उसकी थेरेपी करवाइए, उसे करिए, खुद करिए सबसे। लेकिन सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एक थेरेपिस्ट के पास या फिर किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, जिससे ये पता कर सकती हैं कि आपके बच्चे को कौन कौन से सेंसरी इश्यूज़ हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है, आप तो आप उसकी थेरेपी आपको आराम से मिल जाएंगी ये ऑनलाइन वीडियो ट्यूब पर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है अतिका जी का, वो बोलते हैं मैम पॉइंटिंग कैसे सिखाएं, इस पर वीडियो बनाएं। मैम मैं पॉइंटिंग पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मेरी कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो सके मैं उस पर बना सकूं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है अक्षा जी का, वो बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करें, स्टार्ट से बताएं या कैसे शुरू करें इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, 4 ईयर का बेटा है। मैम इस अंडरस्टैंडिंग पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्दी ही मेरी वीडियो आएंगी अंडरस्टैंडिंग पर, तो उसके लिए थोड़े से मतलब हफ्ते भर का टाइम दे दीजिए, मैं उस पर काम कर रही हूँ अभी। ठीक है जी, अगला फिर से अक्षा जी का, अपना डेली रूटीन का भी शेयर करें, आप स्टार्ट से कौन सी एक्टिविटी शुरू से सात्विक के साथ करती हैं। जी मैंने ये बोला था कि मेरे उसमें एक लाइव स्ट्रीम भी अगर स्टार्ट हो गया है तो मैं एक लाइव वाला जो ऑप्शन है उसे स्टार्ट करके मैं अपने बेटे के साथ जो भी थेरेपी करती हूँ उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी पूरी। ठीक है जी, अगला है शर्मिष्ठा जी का, वो बोलते हैं सम टिप्स ऑन एजुकेशन। मैम एजुकेशन पर टिप्स भी मैं दूंगी, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ऐसे कमेंट्स में मैं अभी टिप्स नहीं बता सकती हूँ और ना ही अभी एक छोटे से सेक्शन में आपको बता सकती हूँ कि एजुकेशन पर क्या क्या टिप्स दे सकूँ, तो उसकी भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी। ठीक है जी, अगला है जिसके चैनल का नाम है पागल लड़का करके, तो वो बोलते हैं कि आप सात्विक को SPCL डाइट नहीं देती है, मीन्स कि CF
डाइट, मैंने सुना है कि ऑटिज़म के बच्चों को कम देने चाहिए, तो क्या इससे फ़ायदा मिलता है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो डाइट की बात है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आप डाइटिशियन के पास जा कर के अपने बच्चे का टेस्ट कराइए, तो उसके बाद ही आप वो बता सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या क्या चीज़ सही रहेगा, कितना शुगर देना है, कितना GF डाइट देनी है, कितना CF डाइट देनी है, ये वही चीज़ बता सकती हैं। ठीक है जी, अगला है GNM फैमिली का। वो बोलते हैं कि मैम, नेम कॉलिंग का कुछ थेरेपी बताइए, मेरे बेटे को नेम कॉलिंग पर रिस्पॉन्स नहीं करता है, हेयरिंग टेस्ट में नॉर्मल है। जी मैम, मैं उसको नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं ये वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बच्चे को रिस्पॉन्स देना सिखाऊंगी, अगर आप उसे आवाज़ दे रहे हैं तो तुरंत कैसे सिखाया जा सकता है। ठीक है जी, अगला है दीपिका जी का। वो मुझसे पूछती हैं, मैम मेरा बेटा साउंड की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर वाटर मोटर वॉशिंग मशीन कुकर विसल, जहाँ ये सब चला तो उस साइड वो भागता है, पहले कान बंद कर लेता था अब नहीं। देखिए दीपिका जी, ये होता है कि बच्चे में कोई सेंसरी इशू बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर दूसरे लेवल में वो चीज़ बढ़ जाती है, यानी कि पहले हाइपर था, फिर वो ठीक हो गया, फिर हाइपो वाला स्टार्ट हो गया उसका। तो आपको क्या करना है कि जो एक मेरी साउंड वाली हेयरिंग वाली पर है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो थेरेपी करवाइए, जैसे हेडफोन में गाने सुनना और कुछ कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना, जो वो चीज़ गेन करना चाह रहा है वो एक अलग अपनी स्टाइल में उसे सुनाना, ताकि वो चीज़ जैसे सीटी की आवाज़, कुकर की आवाज़ या फिर मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ सुन के भागे ना, उसे कमरे पर बैठे बैठे उसे वो चीज़ मिल जाए, वो चीज़ जितना भी वो गेन करना चाहता है वो चीज़ मिल जाए, तो आप वो थेरेपी करवाइए, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है रेशमा जी का। वो मुझसे पूछती हैं कि सेल्फ टॉकिंग, टोज वॉकिंग, नाइट में लेट सोना, खाना खाने में प्रॉब्लम, इधर से उधर घूमता रहना, अपना प्राइवेट पार्ट रब करना, बात ना करना, कैसे बात करती हैं वैसे ही बात करना, क्या ये ऑटिज़म कहते हैं या ADHD कहते हैं? देखिए रेशमा जी, जो ऑटिज़म और ADHD है वो क्या है कि उनकी जो सिम्टम्स हैं वो लगभग लगभग सेम ही रहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसे ऑटिज़म है या ADHD है। वैसे जो ये एक ही चीज़ के टॉपिक हैं, जैसे कि ASD, पहले इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन अब ये बोला गया कि इनके लगभग सिम्टम्स जब सेम ही हैं तो एक ही नाम दे दिया गया है, इसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। तो ये ASD के टाइप ही है, ASD का एक टाइप ऑटिज़म है, ASD का एक टाइप ADHD है, ऐसे ही डाउन सिंड्रोम है और भी कई सारी चीज़ें हैं अलग अलग। ये एक अम्ब्रेला है बहुत, जो कोई बच्चा कहीं पर लाई करता है, कोई बच्चा कहीं पर लाई करता है, तो हम सारे सिम्टम्स हमें बता नहीं सकते कि ADHD और ऑटिज़म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के सेम ही रहते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ पर ध्यान नहीं देना है कि उसे ऑटिज़म है या ADHD है, आपको सिर्फ थेरेपी पर ध्यान देनी है कि जो भी उसके सेंसरी इशू बिगड़ रहे हैं या फिर आप जो भी बता रही हैं, टूज वॉकिंग सेल्फ टॉकिंग, ये सब चीज़ थेरेपी के ज़रिए आप सही कर सकती हैं। ठीक है जी, अगला फिर से कमेंट है अर्चना सिंह जी का। वो बोलती हैं, वेरी नाइस वीडियो मैम, आपके सात्विक को पॉटी सुसु ट्रेनिंग कैसे दी है? मेरा 4 साल का है, अभी तक टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कैसे करना सिखाया जाता है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है जी, बाकी अभी मैंने 2 से 3 बार मैं ये बता चुकी हूँ जो टॉयलेट के बारे में बता रहे हैं, तो अगर उससे आपको कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप वो भी ट्राई कर लीजिए। अगला कमेंट है हर्षिता जी का। मैम 6 ईयर बच्चे की लार निकलती है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं। जी वो ज़रूर, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगला है पौरिक भवसार जी का। वो पूछते हैं, मैम आपकी वीडियोस से बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस का यही गोल रहता है कि आपको जितने कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके, और जो नहीं होते हैं वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। अगला है नाजिया खन्नुम जी का। वो बोलते हैं, प्लीज़ मैम स्पीच कैसे लाएँ,
मैं बहुत परेशान हूँ मैम, स्पीच पर मुझे लेके आनी है जिसमें ब्लोइंग और ये सब चीज़ एक्सरसाइज मैं बताऊँगी आपको, अभी कुछ दिन रुक जाइए, अभी मेरा थोड़ा सेटअप थोड़ा मिल जाए, उसके बाद मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। प्रियंका जी का कमेंट है, वो बोलती हैं एक नंबर चैनल तभी मैम। थैंक यू अनुप्रिया जी, थैंक यू सो मच, सॉरी थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। आप लोगों की इतना प्यार मिलता है तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, दिल से शुक्रिया मेरा आप लोगों का। अगला है दीन, DARI इनका, ये बोलते हैं मैम मेरा कज़न ब्रदर का सन है, वो हाथ पकड़ के वाटर मांगता है, चार हैं सब पढ़ता देख के बट सेंटेंस नहीं बोलता है, प्लीज़ आंसर। देखिए ऑटिज़म का एक लक्षण है यही है कि अगर उसे कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपका हाथ पकड़ के आपके ही हाथ से इशारा करता है, अपने हाथ से पॉइंट नहीं करता है, तो आपको पॉइंटिंग सिखानी पड़ेगी। मेरा अगला वीडियो शायद पॉइंटिंग पर ही होगा जिसमें ये सिखाते हैं बच्चों को कि पॉइंटिंग कैसे करना सिखा सकते हैं कि वो अपने हाथ से वो आपको बता सके कि मुझे ये चाहिए। और रही बात इसकी कि सेंटेंस मेकिंग, हाँ इस पर भी एक थेरेपी होती है, वो थेरेपी मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, उस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं आप बताऊँगी कि सेंटेंस अगर आपके बच्चे के वर्ड्स हैं तो लंबे सेंटेंस उससे कैसे बुलवाएं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कैप्रिकॉन जी का, वो बोलते हैं मैम मेरा बच्चा नेल्स मारता है फेस पे, वो कैसे कंट्रोल करें, दांतों से भी असर नहीं, डांटने तो भी असर नहीं होता है, हाथ पकड़ो तो भी नहीं होता है वो और एक्साइट हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप उसे डांटना बंद कीजिए, डांटने से कुछ नहीं होता है, वो और ज़्यादा एग्रेसिव होगा क्योंकि उसे जो चीज़ दिख रही है उसे क्या दिख रहा है, आपका डांटना दिख रहा है, तो वो और ज़्यादा वैसे ही रिएक्ट करेगा, तो आप उसे डांटना मारना ये सब बंद कीजिए। उसकी जो एक ब्रशिंग वाली एक्सरसाइज होती है, आप उसके जो जो बॉडी में ब्रश करते हैं टैक्टाइल सेंस में, आप उसे नेल्स में भी आप ब्रश करना स्टार्ट कीजिए तो उससे फ़ायदा मिलेगा। और उसे समझाइए, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग वाला है तो उसे समझाइए कि नहीं करना है, और उसे अगर ये चीज़ करता है तो एक पनिशमेंट दीजिए जिससे उसे ये समझ आए कि हाँ ये पनिशमेंट मिल रही है, इसका मतलब मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। पनिश कीजिए, डांटिए मत और ना ही मारिए। ठीक है जी, अगला कमेंट है खुशी जी का, वो बोलती है मुँह से साउंड को कैसे रोकें। खुशी जी इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसमें ओरल मोटर की एक्सरसाइज पर मैंने बताया है कि उसमें आपको कैसे कैसे जो वर्बल स्टीमिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती है। ये जो आप प्रॉब्लम बता रही हैं वो वर्बल स्टीमिंग की है, और इसकी जो थेरेपी है वो मैंने आपको बताई हुई है अपने चैनल पर, आप उसे फॉलो कीजिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगला है अनामिका जी का, वो बोलती हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब मैम। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच। अगला है श्वेता जी का, वो पूछते हैं कि मैम आपका बेटे कितने एज का है, स्कूल कब डाला, अपना नॉर्मल स्कूल जाता है मैम। हाँ जी श्वेता जी, मेरा बेटा नॉर्मल स्कूल जाता है, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें अपने बच्चे की जो स्कूल वाली जो जर्नी है उस पर मैं शेयर करूँगी कि मुझे पहले क्या प्रॉब्लम आई, फिर क्या प्रॉब्लम आई और अब कैसा कर रहा है मेरा बच्चा। ठीक है जी, अगला है जसबीर कोहली जी का, वो मुझसे पूछते हैं हेलो मैम माई डॉटर इज़ 12 ईयर ओल्ड एंड शी डायग्नोज्ड विद ऑटिज़म रिसेंटली 2021, अर्लियर शी इज़ डायग्नोज्ड विद ग्लोबल डिले बाय बर्थ, बाय माई क्वेरी इज़ शी कॉपरेट विद ऑल द एक्सरसाइजेज वट एवर आई एम डूइंग विद हर, शी सेज पापा ऑल द टाइम बट वेन वी आस हर टू से पापा टू हर डैड और कॉल हिम पापा देन शी इज़ नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स, वेन आई ट्राई टू वोकल वर्ड्स लाइक ई ओ शी इज़ नॉट प्रोड्यूस एनी वॉइस, बट वेन शी सी हर डैड फ्रॉम द विंडो देन आई हर्ड शी सेज पापा कैन यू प्लीज़ टेल मी विच स्पीच एक्सरसाइज आई नीड टू डू विथ हर
प्लीज़ एंड थैंक यू। देखिए जसबीर जी, आपको थेरेपी में क्या करना है, स्पीच की नहीं, आपको इमिटेशन पर काम करना है। इमिटेशन यानी कि पहले आपको चीज़ें इमिटेट करके आपको सिखाना है। इस पर मेरी एक डिटेल बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, जिस पर आप जा करके ज़रूर देखिए कि बच्चे को इमिटेशन कैसा सिखाना है। यानी कि जो आप बोल रहे हैं बच्चा उस चीज़ को रिपीट करे। इकोलेलिया लेके आना है, इस चीज़ को इकोलेलिया बोलते हैं। इकोलेलिया कैसे लेके आना है, इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है। सबसे पहले चीज़ें हैं उसको आप सिखाइए। जैसे आप एक टेबल में बैठाइए, एक साइड आप, एक साइड अपने बच्चे को, और बोलिए ऐसा करो। अगर बच्चा नहीं करेगा तो आपको हाथ पकड़ के वैसा ही कराना है जो आपने किया है, ठीक है। जब वो चीज़ें कॉपी करने लग जाए, बहुत टाइम तक आपको चीज़ें कॉपी करानी है, और चीज़ें कॉपी करना आ गया तो फिर वॉइस भी वो कॉपी करने लग जाएगी, ठीक है जी। अगला कमेंट है प्रिया भारती जी का, वो मुझसे बोलती हैं कि मैम मेरी डॉटर 3.6 मंथ की है, बट च्यू करना नहीं जानती। जो चीज़ें उसे पसंद है जैसे चिप्स कुरकुरे वो चबाती हैं बहुत, रोटी एग वेजीज च्यू नट्स नहीं चबाती है, प्लीज़ क्या करूं बताइए। प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी आप उसको ओरल मोटर की एक्सरसाइज करवाइए। जो मैंने आप मेरे चैनल पर जाइए, मैंने ओरल मोटर की एक्सरसाइज बताई हुई है, बहुत डिटेल में बताया है। तो आप वो चीज़ की जॉ मसाज देना है हमें, और इलेक्ट्रिक जो ब्रश है उससे एक्सरसाइज करानी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे आपके बेटे को च्यू करना आएगा, ठीक है जी। और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी, लेकिन ये बस आप पर है कि आप करें या ना करें, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन बस एक सजेशन के तौर पर लीजिए कि आप चिप्स कुरकुरे कम दीजिए उसे, बाहर की चीज़ें, क्योंकि पैकेट बंद चीज़ों में पास्टराइजेशन के लिए क्या होता है कि शुगर डाली जाती है, और शुगर से हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है जी। अगला फिर से प्रिया भारती जी का ही है, मैम मेरी डॉटर को डॉक्टर ने सोशल कम्युनिकेशन और सेंसरी पे वर्क करने को बोला है, प्लीज़ इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो शेयर करिए जी। मेरी एक सीरीज़ बनी हुई है सेंसरी इश्यूज़ पर, पूरी एक जो मेरी प्लेलिस्ट में भी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सेंसरी इश्यूज़ पर जितनी भी वीडियोस हैं, अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, 7 सेंसरी इश्यूज़ हैं, 7ों की अलग अलग वीडियो बनी हुई है, तो आप उसे देख करके कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। और रही बात सोशल कम्युनिकेशन की, इस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं आप ज़रूर बनाऊँगी। अगला है वर्षा नायक जी का, वो मुझसे थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू मेरी तरफ से, थैंक यू आपको। अगला है विकास कुमार जी का, वो बोलते हैं ग्रेट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, थैंक यू सो मच विकास जी। अगला है पूजा शुक्ला जी का, वो बोलते हैं मैम मेरा बेटा 5.5 साल का है और वो स्पीच नहीं है कॉपी करता है आ तक, और मैं उसे कैसे बुलवाऊं प्लीज़ मैम। पूजा शुक्ला जी, देखिए आपने बताया है कि वो कॉपी करता है लेकिन स्पीच नहीं है, स्पीच पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको छोटा सा हिंट चाहिए तो आप उसको ब्लोइंग सिखाइए, ब्लोइंग अगर सिखाएंगे तो उसको स्पीच निकलेगी। क्या उसकी वोकल कॉर्ड खुली हुई है, आपको ये भी पहले मुझे बताना पड़ेगा कि वोकल कॉर्ड खुली हुई है नहीं खुली हुई है। वोकल कॉर्ड खुलने के लिए ही ये चीज़ कराई जाती है, वोकल कॉर्ड खुली हुई है या नहीं खुली हुई है ये आपको ये भी इससे भी पता चल सकता है। अगर आपका बच्चा खांस रहा है, आवाज़ निकल रही है, तो इसका मतलब उसकी आवाज़ है, बस उसे ब्लोइंग से उसकी आवाज़ लेके निकालनी है। अगर कॉपी करता है तो आप उसे कॉपी करवाइए, ठीक है। कॉपी करता है ये बहुत अच्छी बात है, तो उसको लैंग्वेज भी जल्दी डेवलप हो जाएगी। बाकी इसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी, स्पीच कैसे लेके आनी। अगला है जसबीर कोहली जी का, वो मुझसे फिर से पूछते हैं हेलो मैम आई एम आल्सो गिविंग थेरेपी टू माय डॉटर एट होम, माय क्वेश्चन इज़ व्हेन आई सिट विथ हर फॉर स्पीच थेरेपी शी ट्राइड बट शी इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस एनी साउंड लाइक शी सेज पापा वर्ड बट व्हेन वी। जसबीर जी शायद ये आप कमेंट ये दोबारा कर रहे हैं, मैं इस कमेंट का मैं आंसर कर चुकी हूँ, तो आप वही ट्राई कीजिए, इमिटेशन पर आप काम कीजिए उस पर, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है अमनजोत कौर जी का, वो मुझसे पूछते हैं मैम मेरा बेटा कुछ वर्ड्स बोलने लगा है बहुत अभी वर्बल इमिटेशन नहीं करता है, कितना टाइम दोनों के वो वर्बल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दे, और इसमें कितना टाइम लगता है वर्बल इमिटेशन आने में। ये डिपेंड करता है
कि आप अपने बच्चे को के पीछे कितनी मेहनत कर रही हैं, और इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कौन से लेवल का ऑटिज़म है। अगर ज़्यादा लेवल का ऑटिज़म है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर कम है तो जल्दी ही कवर कर जाएगा, महीने दो महीने तीन महीने में वो सीख जाएगा कॉपी करना ये सब चीज़, और फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। ठीक है जी, अगला है परवेज जी का, जिसमें बोलते हैं थैंक यू सो मच। अगला है अनुप्रिया जी का, वो बोलते हैं थैंक यू जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हमारे बहुत काम आ रहा है। थैंक यू अनुप्रिया जी, ये मेरी अचीवमेंट है आप लोगों की, ऐसे मैसेज जो आते हैं प्यार भरे। अगला है शमा जी का, वो बोलते हैं मैम मैंने आपको कुछ वीक पहले लिखा था कि एक वीडियो बनाएं या गाइडेंस दें हाउ आई कैन मेंटेन द कन्वर्सेशन। मेरा बेटा 5 साल का है, 5.5 साल का है, अभी स्कूल स्टार्ट किया है। एक और बात वो कि बच्चे के साथ खेलता है वन एट अ टाइम स्कूल, अगर कोई तीसरा बच्चा खेल में शामिल हो जाए तो वो खुद बैक ऑफ हो जाता है, मैं क्या करूँ। उसको समझाती हूँ लेकिन वो नहीं समझता है। ठीक है जी शर्मा जी, आपको क्या करना है कि आपको घर पर क्या करना है कि किसी बच्चे के साथ वो कंफर्टेबल है तो उस बच्चे को लेके आना है, उसकी फैमिली को इनवाइट कीजिए और उन दोनों बच्चों को आपस में खिलवाइए, और तीसरे का इन्वॉल्वमेंट आपको खुद करना है, यानी कि वो तीसरा बंदा आपको खुद बनना है। आप उनके खेल के बीच में जाइए, क्योंकि आपका बच्चा आपके साथ कम्फर्टेबल तो होगा ही, जब वो आपके साथ खेल ले रहा है यानी कि तीन का ग्रुप बन गया, फिर आप चौथे को शामिल कीजिए ऐसे बच्चे को कि जो आपके साथ खेले, क्योंकि धीरे धीरे आपके साथ खेलेगा, फिर धीरे धीरे दूसरे बच्चे के साथ खेलेगा, लास्ट में आपके बच्चे के साथ भी खेलेगा। और ऐसी चीज़ें ही कीजिए जो ग्रुप में की जा सकती हैं, और उसमें इंटरेस्ट लेके आइए अपने बच्चे का, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, उसमें बहुत सारे बच्चे आराम से खेल सकते हैं, तो वो देखा कि ग्रुप में है तो वो उठेगा नहीं, वो अच्छे से खेलेगा। तो पहले आप इन्वॉल्व हो जाइए, फिर जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जा रहा है तो फिर चौथे बच्चे को लेके आइए। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसको इंट्रोड्यूस कराइए तीसरा बच्चा, तो वो करने लग जाएगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो कर लेगा। अगला क्वेश्चन है सुलोचना दास जी का, मैम मेल्टडाउन कैसे स्टॉप करें, मेरा 6 ईयर का नॉन वर्बल ऑटिस्टिक है, हम कनाडा में हैं, सो मैं उसका थेरेपी घर पे कर रही हूँ, हाइपर एक्टिव है, हाइपर एक्टिविटी भी करवाती हूँ, बट मेल्टडाउन कभी भी आ जाते हैं। देखिए मेल्टडाउन आने का कारण क्या होता है कि जब उसके सेंसरीज जो हैं इश्यूज़ जो है वो ओवरलोड हो जा रहे हैं, तो आपको ये पता करना है अगर उसका मेल्टडाउन आया है तो किस वजह से आया है। उसको क्या पता ज़्यादा लाइट मिल रही हो, या फिर मार्केट के बीच में है तो ज़्यादा साउंड मिल रहा हो, गाड़ी की आवाज़ कहीं किसी चीज़ की आवाज़, तो मेल्टडाउन आ जाते हैं, तो होता है ये बच्चों को। तो आपको सबसे पहले तो उसे प्यार से गले लगाना है, और उसे ऐसी शांत जगह लेके जाना है जहाँ पर उसका सेंसरीज जो ओवरलोड हो रहा है वो कम हो सके। ये होता है, जाहिर सी बात है, ये हर किसी बच्चे के साथ होता है, तो आपको घबराना नहीं है, उसे बस काम करना है, और फिर उसके बाद उसकी जो थेरेपीज़ हैं उसको रेगुलर रखिए। और मैं अगर ज़्यादा मेल्टडाउन आ रहे हैं तो आप दिन में तीन तीन टाइम आप उसकी थेरेपी करवाइए, ठीक है, तो जल्दी फ़ायदा होगा और ये मेल्टडाउन आने कम होंगे, क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ कम होते रहेंगे तो मेल्टडाउन भी कम होते रहेंगे। ठीक है जी, अगला फिर से है प्रियंका जी का गुड मैसेज, थैंक यू सो मच। अगला है चंचल जी का, वो मुझसे बोलते हैं कि पूरे दिन में कितने इमिटेशन ऑब्जेक्ट कॉपी करवाएं और उसको वोकेबलरी कैसे इंक्रीज कराऊं। इमिटेशन आप 5 से 10 मिनट करवा सकती हैं उस, क्योंकि उससे ज़्यादा करवाएंगे तो वो बोर होने लगेगा, फिर वो इमिटेशन वाले थेरेपी में आपके साथ अगली बार से नहीं बैठेगा, तो उससे 5 से 10 मिनट ही दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद लैंग्वेज पर भी आप उस पर काम कर सकती हैं, लैंग्वेज के वोकेबलरी के लिए पूछ रही थी, तो आप वोकेबलरी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें लैंग्वेज वाले में, अगर आप मेरे चैनल में जाएंगी तो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देखिए तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है चांदनी झा जी का, वो मुझसे बोलती हैं कि मैम क्या आपने स्पीच थेरेपी भी करवाई थी, सिर्फ ओटी या फिर सिर्फ ओटी से स्पीच आके थी। चांदनी जी, मैंने स्पीच थेरेपी उसकी करवाई थी, मैंने उन्हीं से करवाई थी जो मेरे ओटी के थेरेपिस्ट थे। पहले तो 6 महीने उसकी ओटी चली थी, और उसके ओटी 6 महीने के बाद जब उसकी स्पीच आने लगी थी, जब मतलब ए बी सी डी कुछ आने लग गया था,
मतलब 6 महीने के बाद जब मैंने स्पीच स्टार्ट की थी तो उसका ABCD आने लग गया था, लेकिन पहले 6 महीने मैंने उसकी OT करवाई थी, उसके थोड़ा उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ा और उसके जो सेंसरी इश्यूज थे वो थोड़े से कम हुए, तब उसकी स्पीच शुरू करी थी। हफ्ते में 4 दिन वो OT करते थे, 2 दिन स्पीच देते थे, तो स्टार्टिंग में उसका पहले ABCD आना शुरू हो गया था और उसके बाद फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप होनी शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कविता हांडा जी का, वो बोलते हैं कि मेरी बेटी की स्पीच नहीं आ रही है। मैम मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि आपकी बेटी की स्पीच या फिर किसी की भी बेटी की स्पीच कैसे लाई जा सकती है, स्पीच मतलब आवाज़, कई बार आवाज़ लेके आना अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो, उस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी। अगला है पियाली घोष जी का, वो मुझसे बोलते हैं कि 23 मंथ का बच्चे के लिए दिन में कितने एक्टिविटी करवाना पड़ता है और एक एक्टिविटीज़ कितने टाइम दूँ, 5, 10, 20 मिनट प्लीज़ रिप्लाई मैम। मैम आपका बच्चा अभी 2 साल से कम का ही है तो आप उसे 20 मिनट आप उसे दे सकती हैं, क्योंकि अगर आपके बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस अच्छा है तो आधा घंटा दीजिए, क्योंकि बच्चा छोटा ही है आपका तो उसके इतने ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ नहीं हो सकते हैं आई होप, तो अगर कम ही है सेंसरी इश्यूज़ हैं तो आप उसको आधे घंटे तक उसको कराइए और उसके बाद फिर अगर ज़्यादा देर अगर करवा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है तो आप करवा सकती हैं, लेकिन 20 मिनट तो आप करवाइए, ठीक है जी। अगला है रेनबो लाइफ करके चैनल है उसका, वो बोलते हैं कि हम बंगाली फैमिली से हैं, मेरी बच्ची को बंगाली समझना आता है पर हम मुंबई में हैं और उसका थेरेपिस्ट उसके साथ हिंदी में बात करता है, मैम मेरी बच्ची हिंदी बराबर नहीं समझती है तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या इससे? देखिए इस प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ एक ही लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो फ़ायदेमंद होती है, अगर आपकी बच्ची दोनों चीज़ समझ जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर वो हिंदी भी समझ जा रही है, जो थेरेपिस्ट जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो हिंदी भी समझ जा रही है, बंगाली भी समझ जा रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कि आपकी बच्ची थोड़ा फोकस्ड है, वो जल्दी समझ रही है, अगर समझ रहे अगर आपको लग रहा है कि उसका ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है तो आप थेरेपिस्ट से इस बारे में बात कीजिए और उनसे कहिए कि एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में ही बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उससे हिंदी में ही घर पर भी बात कीजिए, ठीक है जी। अगला है फिर से JNM फैमिली का, वो बोलते हैं थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगला है दीपक कुमार जी का, वो पूछते हैं हाउ आर यू मैम, आपकी वीडियोस बहुत यूज़फुल होती हैं मैम, एक वीडियो 1 वर्ड स्पीच की भी बनाइएगा, स्पीच थेरेपी की स्टार्टिंग कैसे करें। आज सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पर आए हैं कि स्पीच कैसे लेके आनी है और दूसरा टॉयलेट ट्रेन कैसे करना है, जी ज़रूर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल वीडियो कि स्पीच कैसे लेके आनी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हिना अख्तर जी का, वो पूछते हैं मैम आपका बेटा कब बोलना स्टार्ट किया था, उसकी जर्नी शेयर करें। मैंने अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगी तो मैंने एक वीडियो बनाई है अपने बेटे के ऊपर कि मैं उसने कब बोलना स्टार्ट किया, कब पैदा हुआ, कितने वेट का वो पैदा हुआ, उसे क्या क्या प्रॉब्लम थी नहीं थी, ये सब चीज़ मैंने बताया है तो आप वो वीडियोस एक देख सकती हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। वैसे मेरे बेटे ने 3.5 साल की एज में उसने बोलना स्टार्ट किया था। अगला है लेडी सोल्जर जी का, वो पूछते हैं तो आप अपने बड़े बेटे के साथ जिसके साथ जिसको ऑटिज़म है उसके साथ प्रैक्टिकल करके दिखाइए, आप नॉर्मल आपका ये तो नॉर्मल बच्चा है इसके साथ बना के हैं कोई फ़ायदा नहीं है, हमें शो करना है, मतलब इसी टाइप का मैसेज है, मैं पढ़ चुकी थी एक बार, तो वो ये कहना चाह रही है कि जो आपका बेटा नॉर्मल है उसके साथ मत बनाइए, जो आपका ऑटिस्टिक बच्चा है उसके साथ आप वीडियो बनाइए ताकि हमें कुछ फ़ायदा मिले, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने वो दोनों बच्चों के साथ बनाती हूँ वीडियोस, वो क्या है कि मेरा जो छोटा बेटा है वो थोड़ा गुस्सा होने लग जाता है कि आप केवल भैया के साथ ही वीडियो बना रही हो मेरे साथ नहीं बना रही हो, तो मैं उसके साथ भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जब हम अपनी YouTube खोल के मेरी वीडियो देखने लग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन सी वीडियो में हूँ, तो मुझे थोड़ी उसकी भी उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, सिर्फ हम मेरा एक ही मिनट 2 बच्चे हैं तो दोनों की ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है, तो आप और वीडियोस देख सकती हैं, तो मैंने अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ भी कई सारी वीडियोस, कई सारी एक्सरसाइज थेरेपीज़ मैंने बनाई हुई हैं। अगला है सलमा जी का, वो पूछते हैं आपने
कितने टाइम थेरेपी करवाई है? मैम मैंने 1 साल उसकी थेरेपी सेंटर में थेरेपी करवाई है, बाकी मैं घर पर ही उसकी थेरेपी करवाती हूँ। अगला है स्वाति दीक्षित जी का, वो मुझसे पूछते हैं कि हेलो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड दीज वीडियोज़ आर वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। वॉन्टेड टू नो आर यू फॉलोइंग ग्लूटेन फ्री डाइट फॉर सात्विक? मैम मैं इस डाइट के ऊपर कोई भी फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे डाइटिशियन ने उसे बोल दिया था कि उसे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा शुगर कम करने के लिए कहा था, तो मैं उसे शुगर कम ही देती हूँ। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन मैं शुगर उसे कम ही देती हूँ। बाकी GFCF डाइट का मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसे कोई इशू नहीं होता है, तो मैं उसे देती हूँ, मैं उसे मिल्क भी देती हूँ, मैं उसे रोटी भी देती हूँ, सब कुछ देती हूँ। अगला क्वेश्चन है प्रियंका जायसवाल जी का, उससे पूछती हैं मैम आप अपने बाबू को थेरेपी कहाँ कराए थे? मैम उत्तराखंड में एक जगह है, मैं वहीं पर मैंने एक थेरेपी सेंटर में मैंने थेरेपी करवाई थी। अगला है रमन कौर जी का, वो मुझसे पूछती हैं कि दीदी आटे वाली गेम में आटे को बिल्कुल लिक्विड रखना है क्या? मैम दो टाइप की हैं, एक तो जो क्ले वाली एक्सरसाइज होती हैं, अगर आप क्ले नहीं देना चाहती हैं तो आटा सख्त बना करके आप उसके साथ खिला सकती हैं। दूसरा आप आटे को थोड़ा सा लिक्विड बना करके, कि इतना लिक्विड हो जाए कि उस मतलब गिर जाए हाथ से इतना करके, ताकि अगर बच्चे को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, उसे छूने से प्रॉब्लम है, इस टाइप की चीज़ों से, तो उसकी धीरे धीरे से आदत बन जाए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है ET करके एक चैनल है उनका, वो मुझसे बोलते हैं कि हाय थैंक यू सो मच, आई हैव अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू आस्क, डज ग्रुप प्ले विथ एल्डर किड्स हेल्प किड्स विथ ऑटिज़म? जी हाँ बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगी कि अगर अपने बच्चे चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी के साथ भी अगर खिलवाना अगर सिखा रहे हैं उसके साथ, तो ये बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये एक ग्रुप एक्टिविटी हो जाएगी, ग्रुप एक्टिविटी मतलब सोशल कम्युनिकेशन, उसका सोशलाइजेशन उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। सोशलाइजेशन इंक्रीज़ होगा तो वो चीज़ें समझने भी लगेगा, उसे अच्छा लगेगा दूसरों के साथ बैठना उठना खेलना ये सब चीज़ें। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप सिखा रहे हैं तो। अगला कमेंट है फिर से अर्चना सिंह जी का, वो मुझसे पूछते हैं हाय मैम प्लीज़ शेयर अ वीडियो ऑफ डेली रूटीन। जी जी ज़रूर, मैं एक लाइव स्ट्रीम पर मैं डालूंगी कि अपनी डेली रूटीन का, कि मैं उसके साथ कौन कौन सी थेरेपीज़ करवाती हूँ और कैसे करती हूँ। ठीक है जी, अगला है कविता काम्बोज जी का, वो मुझसे बोलती हैं मेरा बेटा अब बोलने लगा है, जो वर्ड मैं बोलती हूँ वो बोल देता है, बच्चे जो मुँह में कुछ कुछ साउंड निकालते हैं उस पर कैसे कम करें? उसके लिए आपको ओरल मोटर की एक्सरसाइज है, वर्बल स्टीमिंग की, उस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाइए और ज़रूर देखिए, मैंने ओरल मोटर पर जो भी एक्सरसाइज करवाई है आप उसे करवाइए और ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, उससे मुंह से आने वाली साउंड कम होंगे। अगला है खुशी कुमारी जी का, वो मुझसे पूछती हैं मेरा बेटा 2.5 साल का है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं कैसे थेरेपी दी? आपको वीडियो का लिंक दीजिए। अंडरस्टैंडिंग की अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, सबसे पहले आप ये देखिए क्या उसकी स्पीच है तो वन वर्ड है, अगर ये सब चीज़ है तो आप अंडरस्टैंडिंग पर काम कर सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ी सी पहले वर्बल वन वर्ड जो उसके वोकेबलरी है वो आनी चाहिए, वो अगर आ जाएगी तो फिर अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आने लग जाएगी। ठीक है जी, बाकी इसकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगला है रंजीत कुमार जी का, वो मुझसे पूछते हैं कि दी मेरा बेटा भी 4 साल का है, उसे भी माइल्ड ऑटिज़म है, मैं भी थेरेपी दे रही हूँ लगभग 1 ईयर से, फ़िलहाल मैं उसको ऑडिटरी सेंसरी से परेशान हूँ, वो बार बार एक ही तरह के साउंड को सुनना चाहता है, बार बार माउथ साउंड निकालता है, इस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ, प्लीज़ दी आप कुछ गाइड कीजिए। देखिए आप एक ही चीज़, आपने बोला कि आपके बच्चे को साउंड की प्रॉब्लम है, एक ही चीज़ की साउंड सुनता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हेडफोन वाली थेरेपी जो मैंने बताई है अपने अपने उसमें अपने वीडियोस में, तो आप वो थेरेपी करवाइए और उसमें रोज़ साउंड चेंज कीजिए, तो उसकी आदत चेंज होगी कि एक ही साउंड नहीं सुनना है, मुझे अलग अलग टाइप के साउंड भी सुनने चाहिए, तो आप उसे रोज़ उसको अलग अलग साउंड सुनवाइए। और मुँह से जो आवाज़ निकालता है उसके ये वर्बल स्टीमिंग की प्रॉब्लम है, आप उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल में जाइए और देखिए कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज बताई है, आप वो चीज़ करवाइए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगला है रंजीत कुमार जी का,
वो पूछते हैं दी, अगर बच्चा आपकी बात को रिपीट करने लगे, यानी कि इकोलिलिया की स्टेज पे हो और उसकी लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं, तो दी क्या आप कोई आइडिया दे सकते हैं कि कब तक बात करने लग जाएगा? जी, अगर आपके बच्चे को इकोलिलिया आ गया है तो लैंग्वेज डेवलप होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो वो बहुत ही जल्दी वो हर चीज़ कॉपी करने लग जाएगा। ये मुझसे बहुत लोगों ने पहले बात बोली थी, 4 साल के बाद बच्चे में बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। ये मैंने खुद अपने बच्चे में भी देखा, जैसे वो 4 साल का हुआ उसके बाद उसमें मतलब पहले तो थोड़ा सा असर 6-6 महीने में होता था, 6-6 महीने, 8-8 महीने में, फिर उसके बाद इंस्टेंट, पहले फिर महीने 1.5 महीने में होने लगा, फिर कुछ दिनों में बदल के मतलब 10 दिन में उसमें अंतर दिखने लग गया था। अब तो ऐसा है कि मतलब अभी सिखाती हूँ, अगली बार सीख जाता है। अगला है स्वाति गर्ग जी का, वो मुझसे पूछती हैं कि मेरा बेटा गोल गोल घूमता है, ये कौन सा सेंसरी इश्यूज है? गोल गोल अगर घूमता है तो उसका वेस्टिबुलर की सेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको वेस्टिबुलर सेंस की जो मैंने थेरेपी बताई है आप उस पर आप उसके ऊपर काम कर सकती हैं और ठीक हो जाएगी ये प्रॉब्लम। आप मेरे चैनल में जाइए, मेरी सेंसरी इश्यूज़ एक सीरीज़ बनी हुई है सेंसरी इश्यूज़ पर, जो प्लेलिस्ट में भी है, आप वो देखिए और ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगला है रमा देवी जी का, वो मुझसे बोलती हैं थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच रमा जी, बहुत 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 शुक्रिया दिल से मेरा। अगला है टिया टॉक है, जो बोलते हैं माशाल्लाह कितने कोऑपरेटिव बच्चे हैं, थैंक यू सो मच, ये कोऑपरेटिव बनाने में भी मेरा बहुत मेहनत लगी है, बहुत मैंने कोशिश की अपने बच्चे के पीछे, तो अब कोऑपरेट कर लेता है, कभी कभी थोड़ा हाइपर एक्टिव हो जाता है, इधर उधर भागता है, लेकिन कोऑपरेट कर लेता है। अगला है मनीषा सिंह जी का, वो मुझसे पूछते हैं मैम आप साइकिल कैसे सिखाएं प्लीज़ बताएं। इस पर मैंने एक वीडियो बनानी है, बहुत ज़रूरी वीडियो बनानी है, क्योंकि मैं बहुत पहले से बोल रही हूँ कि मैं बनाऊँगी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी। अगला है मस्ती विथ शौर्या, ये मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा बेटा हाइपर एक्टिव है, बहुत माइल्ड ऑटिज़म है, बट स्पीच ठीक है, बट उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है नॉर्मल बच्चों की तरह, बात नहीं सुनता है जल्दी, पढ़ना नहीं चाहता, राइटिंग नहीं करनी, जितनी देर पास बैठा हो उतनी देर करेगा वरना भाग जाएगा, क्लास में बैठता नहीं है, टीचर कंप्लेंट करती हैं, बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला है, बट वो बोल रही थी कि मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ इसकी, हमने कुछ नहीं बताया है उनको कि कोई प्रॉब्लम है, एडमिशन के टाइम पर उन्हें थोड़ा शक लगा था कि उसकी एक्टिविटी देखकर, बट ले लिया एडमिशन, क्या करूं बहुत टेंशन है, वो जुलाई में 6 ईयर का हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं और आपके बच्चे को थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको बता देना चाहिए कि उसे ऑटिज़म है, और कोई भी स्कूल आपके ऑटिस्टिक बच्चे को लेने से मना नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट का एक रूल है, नहीं कर सकते, आप कंप्लेन कर सकती हैं उनके खिलाफ अगर आप अगर कोई भी स्कूल आपके बच्चे को लेने से मना करता है तो। क्यों, और बच्ची बात रही हाइपर एक्टिविटी की, तो आप थेरेपी करते रहिए तो आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी ज़रूर कम हो जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप काम कीजिए, उसको कौन सी चीज़ कैसे समझानी है सेंटेंस में, उसे बात करते रहिए, उसे जितना ज़्यादा बात करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज के ये जो कमेंट वाला सेशन है वो ख़त्म होता है, क्योंकि कमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं, तो आई होप मेरे जो आंसर्स हैं वो आपको कुछ फ़ायदेमंद लगे हों। अगर थोड़े से भी फ़ायदेमंद लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि है जी थैंक यू, या फिर जी मुझे आपके आंसर पसंद आए, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं कुछ नई एक्सरसाइज लेके आऊँगी, तो ठीक है, Q&A सेशन आज का यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।